तो स्नैपअप कंपनी की तरफ से गाइस फाइनली हमारे पास आ चुके हैं इनके नए मोजैक G411 G400 की गाइस मैंने टेस्टिंग कर रखी है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो ये इनका एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, बट इसका जो प्राइस है वो पहले वाले से थोड़ा कम देखने को मिलता है, जिसमें आपको क्या क्या खास देखने को मिला है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इसकी बहुत सारी स्पेसिफिकेशन इन्होंने बता रखी है, बट सबसे पहले हम लोग चेकआउट करते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स की जो लुक है गाइस वो काफी डिसेंट सी है, और यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिलता है कि एक बार चार्ज कर लेना इसको यूज करने से पहले जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करते हो। उसी के साथ ये गाइस आपको स्काई ब्लू कलर का देखने को मिलते हैं नेक बैंड, और चेकआउट कर लेते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस हमें देखने को मिलते हैं इसकी चार्जिंग केबल, एयर पीसेस देखने को मिल जाते हैं डिफरेंट साइजेस के, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्नैपअप का एक छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर गाइस हमें देखने को मिलता है एक वारंटी कार्ड, एक स्टिकर, उसी के साथ इसका कुछ यूजर मैनुअल भी देखने को मिलता है। ओवरऑल बॉक्स के पीछे भी गाइस बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है, जैसे कि आपको देखने को मिलता है वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट, 12mm की ड्राइव देखने को मिलती है, इंस्टेंट कनेक्शन, ब्लूटूथ 5.3 है, IPX4 रेटिंग है गाइस, उसी के साथ अडैप्टिव इको कैंसलेशन है, प्लेबैक टाइम इसका 20 घंटे का है, और इसका जो स्टैंड बाय है वो 3000 घंटे का है, फ्लैश चार्ज आपको देखने को मिलता है, कंफर्ट फिट है, मैग्नेटिक एयरबड्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छे से चिपकते हैं, स्नैप सिंक आपको देखने को मिलता है, 6 EQ मोड्स है, उसी के साथ यहां पे सुपीरियर सॉफ्ट सिलिकॉन गाइस देखने को मिलता है, 3D एक्वेस्टिक फील आपको देखने को मिलती है। जहां पे जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है इनकी गाइस वो काफी डिसेंट सी है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज पे आते हैं उस हिसाब से गाइस ये अपने कॉम्पिटिटर से काफी अच्छे हैं, बट इनकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। बट मुझे इसमें थोड़ी सी दिक्कत लगी है कि इसका जो एक साइड का एयर पीसेस है उसमें आवाज बहुत ज्यादा आती है, बट आप उसे इक्वलाइजर की हेल्प से मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको भी ये दिक्कत देखने को मिल रही है तो आप लोग सिंपली इसे एडजस्ट कर सकते हो, जिसमें गाइस जो साउंड है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। जहां पे मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी डिसेंट आपको देखने को मिल जाती है जिस प्राइस रेंज के हिसाब से ये आता है, और साउंड तो इसकी बहुत अच्छी है, मतलब बेस मुझे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्राइस रेंज में हमें इस तरह का बेस देखने को मिलेगा, बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से काफी अच्छा है। जहां पे जो ओवरऑल टेक्सचर है गाइस वो काफी स्मूथ है, और ये जल्दी खराब भी नहीं होने वाला। इसकी जो केबल है गाइस वो भी काफी मजबूत बना रखी है, बट फिर भी आप लोगों ने थोड़े ध्यान से रखनी है। यहाँ पे काफी ग्लोसी टेक्सचर डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल डिजाइन के मामले में काफी अच्छा है। बैक में आपको यहाँ पे स्नैपअप का लोगो देखने को मिल जाते हैं, और सिंपली आप लोग अपना टाइप सी चार्जर यहाँ पे कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हो, और ये बहुत ही ज्यादा तेज चार्ज होता है, तो ये चीज मुझे इसकी काफी अच्छी लगी। तो अभी इसकी टेस्टिंग मैं 1 वीक और 2 वीक तक करने वाला हूँ, अगर मुझे इस पे कोई भी इश्यूज देखने को मिलेंगे तो उसके रिगार्डिंग गाइस आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो इनके बाय लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जाके इसका प्राइस चेक करोगे तो शॉक कर जाओगे, क्योंकि ये 1000 से भी कम में आपको देखने को मिलेगा, और साथ साथ इनके ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो सकता है इसमें आपको और भी डिस्काउंट देखने को मिले। और इन फ्यूचर अगर आप लोगों को ऐसे और प्रोडक्ट्स के रिव्यू चाहिए गाइस तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ साथ आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी दिखा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को क्लिक करके, ऑल पे करके, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।